इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। पूरी दुनिया में अभी तक 71.48 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक 4 लाख से भी ज्यादा लोग इस महामारी के कारण जान गंवा बैठे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में अभी तक से भी 20 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 50 लाख की आबादी वाले देश न्यूजीलैंड में अंतिम मरीज भी स्वस्थ होकर घर चला गया है। इस बात की घोषणा खुद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने की थी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक पाबंदियों को हटाते हुए कहा कि अब देश वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश को कोरोना मुक्त बनने की खुशी में डांस भी किया था। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड कोरोना से कुल 1124 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री जेसिका ने शुरुआत में ही देश की सीमाओं को सील कर देश में कड़े नियम लागू कर दिए, जिस कारण यहां संक्रमित लोगों का आंकड़ा ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना के कारण 22 लोगों की मौत हुई। दक्षिण प्रशांत के देश न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर न फैलने के पीछे सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों को अहम माना जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।